हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपेरिमेंट्स विद अमित सावले चैनल। इस चैनल में आपको डिफरेंट साइंस एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे। मैं आज आपको CuSO4 को हीट करने के बाद वो वाइट होता है वो आपको दिख करके दिखाने वाला हूँ, और मैं उसे डबल ब्लू करके ब्लू होता है कि नहीं वाटर डाल के वो भी मैं देखने वाला हूँ और उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा CuSO4 लेता हूँ, मतलब कॉपर सल्फेट। तो मैंने टेस्ट ट्यूब में CuSO4 ले लिया है। अब हम इसे हीट करते हैं। अब ये हीट हो रहा है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए गाइस, इसके पे ये देखिए, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिख रहे हैं और इसका रंग भी थोड़ा व्हाइटिश हो गया है। ये देखिए गाइस, इस टेस्ट ट्यूब में वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। ये जो CuSO4 होता है ना, ये क्रिस्टलाइन नेचर में होता है, मतलब इसमें 5H2O होते हैं। और जब हम इसे हीट करते हैं तो इसके 5H2O इवोपरेट होते हैं और हमें वाटर ड्रॉपलेट दिखते हैं। ये देखिए गाइस, इसका रंग थोड़ा फीका पड़ गया है। मैंने थोड़ा CuSO4 निकाल लिया है। हम CuSO4 को हीट कर रहे हैं, मतलब CuSO4 में जो 5H2O है ना, उसे हम इवोपरेट कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, इसका रंग बहुत ही वाइट हो गया है। ये देखिए, सिर्फ थोड़े क्रिस्टल्स ही हमें ब्लू दिखाई दे रहे हैं। मैं इसे और थोड़ी देर हीट करता हूँ। अब देखिए गाइज, ये देखिए इसका रंग कितना व्हाइट हो गया है। ये देखिए गाइज, मैं इसे नीचे ये देखिए, इसका रंग व्हाइट हो गया है। अब मैं इसमें आपको जरा वाटर डाल के दिखाता हूँ। मैं ये देखिए, इसका रंग व्हाइट हो गया है। अब मैं इसे इसमें वाटर डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए गाइज, आपने पहले देखा था कि इसका रंग व्हाइट हो गया था, अब फिर से इसका रंग ये देखिए ब्लू हो गया है। यहाँ क्या होता है, जब ये देखिए, और हीट करने से भी इसमें थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स भी दिख रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है, जब हम CuSO4 को हीट करते हैं, वो जो CuSO4 है ना, वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है और उसमें वाटर की क्वांटिटी होती है, 5H2O होते हैं, इसलिए उसे क्रिस्टलाइन नेचर प्राप्त होता है वाटर की वजह से। और ब्लू जो रंग है ना, वो भी क्रिस्टलाइन, वो भी वाटर की वजह से ही CuSO4 को प्राप्त होता है। जब हम हीट करते हैं CuSO4 को, तो वाटर ये देखिए ऐसे ड्रॉपलेट में ऐसे उड़ जाता है, इसलिए इस CuSO4 का रंग व्हाइट हो जाता है। और जब हम इसमें फिर से वाटर डालते हैं तो इसका रंग फिर से ब्लू हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर से वाटर आ जाता है। तो ऐसा होता है। ओके गाइज, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।